वे अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:15 एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई नो बहुत टाइम के बाद जो है वो व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। इट्स जस्ट बिकॉज देखो भाई, मैं कोई रीज़न नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, इट जस्ट मैं काम में था इसलिए आई कुडंट व्लॉग। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। भाई जो भी नए हो या जो भी पुराने आए, आई नो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बट इट्स बीन अ वाइल आई हैवंट व्लॉग्ड। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े बहुत मेरे पेंडिंग जो काम है वो ख़त्म करने के लिए, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग। अभी मैं अगर वी बोलूँ तो छोटी सी फैमिली हमारी, लाइक मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, इनको तो आप आई नो जानते ही होंगे, उन्होंने व्लॉग्स जिसने देखे हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई नो अ वेरी वेरी एब्रप्ट कट एंड राइट नाउ द टाइम इज 9 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर इन मुंबई ऑलरेडी। आई नो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत जल्दी में थे, हमारी कल जामनगर से ट्रेन थी 8 बजे एंड फिर तो क्या है, ट्रेन में तो फिर टाइम पास करने का है और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अभी हम लोग जो है वो बोरीवली स्टेशन पे है, बांद्रा टर्मिनस हमको पहुँचाएगी 20 मिनट्स में। इसमें दिखा रहा है ट्रेन इज रनिंग लेट बाई 20 मिनट्स के बाद हम लोग पहुँचेंगे बांद्रा। बांद्रा से अभी हम लोग चेक इन करेंगे होटल पर। तो वह इस ट्रेन ने जो एकदम टाइम पे जो है वो पहुँचा दिया है एज यू कैन सी, एंड अभी हम लोग जो है वो बांद्रा टर्मिनस पे है एंड अभी जो है वो लगेज पहुँचा के, लगेज क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग जो है वो 4 जन हैं, मैं, मम्मी, मेरी बहन और मेरी वाइफ, तो जो 4 जन हैं तो हम लोग जो है वो भी जाएंगे तो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से क्या करना है, होटल पर रखना है सामान वगैरह वगैरह। तो भी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 एंड बाहर जो है मस्त जो है वो वेदर हो रखा है एंड दिस इज़ अवर स्मॉल एंड डिसेंट रूम। 1, 2, 3 बैकपैक्स इधर है, अभी जो है वो फ्रेश होकर जो है वो बाहर आए। इंद्र का देखो बाहर का व्यू ऐसा है एंड हम लोगों ने जो है वो 2 रूम्स रखवाए हैं। टोटल हमारे पास कितनी 7 बैग्स है टोटल, जस्ट इन केस इफ आई फॉरगॉट, मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ ऐसा है, ब्लॉग में दिखाना बहुत ज़रूरी है जस्ट केस उन वो फुटेज देख सके बाद में। तो भाई अभी हम लोग जाएंगे बाहर ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद देखेंगे कि आराम करना है कि नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेट है। तो वैसे तो मेरे को जो है वो ट्रेन में ज़्यादा इतनी नींद आती नहीं है, बट रात का सफ़र था तो हम लोग जो है वो सो गए थे, सब लोग सो गए थे ऐसा है। आपको पता है भाई, अगर आपको पता है कि उसमें ऐसा होता है कि ट्रेन में सीनियर जो सिटीजन है उनको जो लोअर बर्थ, हम लोग ने ऑफकोर्स लोअर बर्थ करवाई थी, सीनियर सिटीजन को जो है वो पहले प्रेफरेंस देते हैं लोअर बर्थ का, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया, मम्मी ने थोड़ा एडजस्ट कर लिया ऐसा है। तो गाइज ये वाला जो है वो दूसरा रूम है, देख सकते हो इधर जो 2 जो है वो सिंगल बेड है, एकदम डिसेंट रूम है। इधर से भी जो है वो बाहर का व्यू ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, ये हमारा है उधर जो है हमारा, इधर हम उधर दूसरा रूम है। तो भाई आप लोगों ने अभी तक जो है वो गेस कर ही लिया होगा, मैं और अनुम तो ऑलरेडी जा चुके हैं उधर। बहुत ऐसे हल्का फील हो रहा है यार बहुत, पर मम्मी और मेरी सिस्टर का जो है वो फर्स्ट टाइम है तो बहुत मज़ा आएगी करवाने में उनको भी। एंड मैंने सोचा था भाई लास्ट ईयर लास्ट टाइम जब मैं गया था तब मैंने सोचा था कि भाई लास्ट नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं कब जाऊंगा, पर देखो दिस हो गया, अभी अल्लाह की मर्जी ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ब्रेकफास्ट करने हम लोग इधर आए हैं शामिया रेस्टोरेंट में, सब होटल के थोड़ा सा ही जो है वो पास है, कुछ 500 मीटर का ना कितना, नहीं 500 नहीं चले हम लोग, थोड़े चले 300 नहीं, होटल से 500 मीटर दिखा रहा था, 500 मीटर दूसरी रेस्टोरेंट दिखाई थी हमको रास्ते में, ये मिल गई इसलिए यहाँ पे। हाँ तो आवाजू में ही है तो 350-450 मीटर है, देखते हैं अभी हम लोग जो है वो मस्त हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, हैवी तो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग दूसरा भी थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे क्योंकि अभी एनर्जी है, सब लोग जो है अच्छे से सोए हैं ऐसा है। तो आप लोग दोनों सोए अच्छे से, चाहिए चलो। तो
गाइस हमको खाना तो इतना नहीं था पर सुलेमान भाई ने इतना मस्त वालेकुम अस्सलाम इतना मस्त खिलाया है भाई। क्या बात करो भाई, इसका एड्रेस जो है डाल दूंगा पर तुझे आप एक बार बोल दीजिए जी। माय एड्रेस कहाँ पे है? ये मेरा होटल है, शामिया रेस्टोरेंट नाम से है, शांता क्रूज वेस्ट में। आप आएंगे आपको फुल्ली पार्टी एयर कंडीशन है, रिजवी नगर में है, नियर मिलन मॉल के बाजू में, एसबी रोड, शांता क्रूज वेस्ट। आप इधर डालना, शामिया रेस्टोरेंट आ ही जाएगा जी। इधर का कीमा और वो भी सुबह ट्राई करना, और फिर मटन, मेरा मटन सीख कबाब, सर का चाय जो पिए हो सब। अरे बहुत एकदम गुजरात जैसी चाय थी भाई, कड़क एकदम ऐसा, क्योंकि क्या मुंबई में गुजरात जैसी चाय थोड़ा हार्ड है मिलना ऐसा जी, इसलिए तो भाई एक बार प्लीज विजिट करिए अपने भाई का ही है सुलेमान शेख। आइए सर, आपका वेलकम रहेगा, खुश आमदीद। ओके तो भाई अगर मुंबई आ रहे तो ऑफ कोर्स पहली जगह जो है वो बैंड स्टैंड, एंड इन लोगों को दिखाना था शाहरुख का घर। शफा कैसा लग रहा है? बहुत नाइस। चलो भाई मज़ा आ रही है, मम्मी और सब अंजुम को भी मज़ा आ रही है। अच्छा है, तो दे दे अभी टाइम पास करेंगे। सही है, देख लिया अच्छे से? तो भाई आज का वेदर जो है वो आप मानोगे नहीं, कितना मस्त वेदर है। आप मानोगे नहीं, डेढ़ बज गए ऑलमोस्ट, ढाई बज गए, सॉरी दो बज गए ऑलमोस्ट, मस्त वेदर है, धूप भी नहीं है। भाई अभी हम लोग आए थे लिंकिंग रोड पे, सोचा भाई थोड़ा सा अपने बस टाइम बचा है तो शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी। गाइस पहुंच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एज यू कैन सी बारिश भी जो है वो हो रही है, और लगेज भी जो है वो पैक हो गया है, सब सामान ऑल सेट टू लीव।